उत्तर कोरिया के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा है। नॉर्थ कोरिया पर कोई भी एक्शन नहीं लेने के लिए ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि मैं चीन से बहुत निराश हूं। हमारे अतीत के बेवकूफ नेताओं ने उन्हें व्यापार में 1 साल में अरबों डॉलर बनाने दिया, लेकिन उन्होंने बातचीत के अलावा हमारे लिए नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ नहीं किया। ट्रंप ने आगे कहा कि हम आगे भी ऐसा जारी नहीं रख सकते। चीन को आसानी के साथ इस समस्या का समाधान करना चाहिए। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने नॉर्थ कोरिया के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की निंदा करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया की परमाणु हथियारों की लगातार होड़ के लिए रूस और चीन विशिष्ट और खास तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने उत्तर कोरिया की अलग थलग पड़ी सरकार को परमाणु हथियार कार्यक्रम के वास्ते प्रमुख आर्थिक की सहायता मुहैया कराने के लिए रूस और चीन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन किया है। टिलरसन ने सभी देशों से उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की अपील की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मजबूत करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों की लगातार होड़ करने तथा इनका इस्तेमाल करने के लिए नतीजे भुगते।